अभी इस ट्रेंड से लोग कूद फांद के शांत नहीं हो पाए हैं कि अब ये ट्रेंड आ गया है। और ये ट्रेंड सुन सुन के भाई कान पक गए, जहाँ जाओ जिस पे जाओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कचरा यहाँ का है, इसको पहले बाहर फेंको। मैं इसको अपनी वीडियो में नहीं लूंगी, मुझे अपनी वीडियो गंदी नहीं करनी। ये तो टट्टी है, गजब बेइज्जती है। अगर आपको किसी काम में कोई सफलता नहीं मिल रही है तो इंस्टाग्राम के ट्रेंड करके देखो, शायद सफलता मिल जाए। क्योंकि चाइना की बढ़ती आबादी और इंस्टाग्राम के बढ़ते ट्रेंड को रोकना इम्पॉसिबल। वाह क्या सीन है, मतलब इस ट्रेंड ने लड़कियों को फेल कर रखा है। वो आया था मेरा दिल ये पुकारे आजा, उसमें भी भाई लड़कों ने क्या गजब गजब डांस किया, और अब इसमें सारे स्टेप तो लड़के ही ले जा रहे हैं। लड़कियां क्या करेंगी, देख रहे हो ना कैसे कमर हिल रही है। क्या बढ़िया था गुरु। चल हट, पहले अपनी नाभी में से मैल साफ करके आओ, फिर नाच के दिखाना। पतली कमरिया करने आ गए, कमरिया की सफाई करना भूल गए। चल हट। आप लोग जानना चाहते हो कि आजकल के बच्चे बाय मम्मी करते हुए बैग वैग टांग के खुश होके स्कूल क्यों जाते हैं? सोचो क्यों जाते हैं भाई। हम लोग के टाइम पे क्या था ना, हम लोग स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढते थे, सोचते थे ना ही जाना पड़े तो अच्छा, मम्मी पेट में दर्द है, मम्मी बुखार है, मम्मी सर में दर्द है। पर आजकल बच्चे खुद टाइम देखते, मम्मी स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो रीजन ये है, देख लो देख। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। जब क्लास में हो ऐसी टीचर तो बच्चे क्यों ना कहे टीचर टीचर। समझ रहे हो आप? ये सही था भाई लोग, ये सही था। जब पतली कमर है ही नहीं तो कहाँ से कहे कि आय हाय आय है। अरे आय हाय वाली कमर ही नहीं है तो कमर को आय हाय कहे क्यों? लेके आए कमरा वो करवा रहे आय हाय। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पतली कमरिया तो हमारी उर्फी जी की है, लेकिन उनको उल्टे सीधे फटे नीचे कपड़े पहनने से फुर्सत हो तब जाके वो ट्रेंड करेंगी ना। लेकिन चलो, उन्होंने नहीं बनाया तो क्या हुआ, हम लोग तो है ना, हम लोग बना देते हैं। हाय हाय हाय, एक ही तो पतली कमर थी अपने पास, अब वो भी टूट गई, अब कैसे होगा ट्रेंड। चलो अब वीडियो को करते हैं एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और 1K के बहुत ज्यादा ही करीब है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बाय।